छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पर नोएडा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण दर्ज होने के बाद विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि लगता है चुनाव आ गए हैं, इसलिए विरोधियों ने षड्यंत्र रचा है। उन्होंने बताया कि सारा कारोबार उनके बच्चे संभालते हैं। जिस फर्म का हवाला देकर मामला दर्ज कराया गया है, उस फर्म में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने पूरे प्रकरण को साजिश बताया और मानहानि का केस लगाने की बात कही। लगता है चुनाव आ गया है। मुझे भी जानकारी, एक पत्रकारों के कार्यक्रम में मैं था, वहां किसी ने मेरे मोबाइल पर वो FIR भेजी थी। जब मैंने उस FIR को देखा तो मुझे लगा कि चुनाव नज़दीक हैं, क्योंकि अभी कल ही यहां से इतने बड़े स्वास्थ्य शिविर से फुर्सत हुए थे और आज नोएडा में मेरे खिलाफ एक FIR होती है जिसको मैं देखता हूँ। मैं आपके चैनलों के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जो FIR हुई है, जिस कंपनी में ये बताया जा रहा है कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है, पैसा लिया गया, मेरी उस कंपनी में या कहीं पर भी कोई लेन देन का मामला सामने नहीं है। और रहा सवाल FIR जो है, ये बताया गया है कि जेवर जाके मैंने बात की है वहाँ पूरे सारे डायरेक्टर्स के साथ में बैठ के, तो मुझे तो याद नहीं है, ना ही मैं गया हूँ। ये सब विरोधियों के द्वारा किया जा रहा है, एक षड्यंत्र है और मुझे बदनाम करने की, मेरी राजनीतिक छवि बिगाड़ने की ये कोशिश है। रहा सवाल कि आगे इसमें जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी वो की जाएगी और आने वाले समय में जो मुझे, क्योंकि न्यायालय पे पूरा भरोसा है, मैं अपनी बात को रखूंगा, अपने सारे पेपर्स को रखूंगा और न्याय मिलेगा। जो विरोधी इस षड्यंत्र में शामिल हैं उनको भी ढूंढा जाएगा और आगे डिफेमेशन का या जो भी कार्रवाई करनी है वो उसके लिए भी तैयार रहे, मैं छोड़ूंगा नहीं। कौन लोग इसके पीछे, अब आगे पता चलेगा, ढूंढना शुरू करेंगे। ये तो अभी अभी हाल की ही बात है, लेकिन निकल के आएंगे, आप लोग खुद ढूंढ लेंगे, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाजपा है क्या? अब ये आपको पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि कौन है। लेकिन आपको किसको डर है? आपकी लोकप्रियता से किसको डर है? देखो भाई, आप लोग सब लोग पत्रकार भाई हैं, जिस तरह से आप मुझसे जानकारी ले रहे हैं, ये हाल की ही अभी अभी का ये घटनाक्रम है, थोड़ा समय दे दीजिए, हो सकता है एक आध दिन में सारी पिक्चर, सारी बातचीत सामने आ जाए कि इसके पीछे कौन है, क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है। मैं तो अभी कल ही फुर्सत हुआ हूँ, यहाँ 20,000 लोगों का जमावड़ा था, लोगों को राहत पहुँचाने का काम कर रहा था, स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ था, अब अचानक एकदम से क्या हो गया? ये पहले से तैयारी की गई थी या क्या बात थी, मुझे जानकारी ले लेनी थी। हम आप यहीं हैं छतरपुर में, सारी बात की जानकारी आप। अभी राहुल भैया के ऊपर FIR हुई थी, अब आपके ऊपर क्या मानते हैं? अब ये तो जो प्रक्रिया है, मैंने कहा ना कि लगने लगा है कि चुनाव आ गया, इस तरीके की षड्यंत्र किए जाएंगे निश्चित रूप से, हो रहे हैं, शुरू हो गए हैं, अब आगे देखते हैं। देखिए, आप भी देखिए होता है क्या क्या, आया हो मिला हो, ये तो अपने जब उन लोगों से बातचीत करेंगे तब पता चलेगा ऑफिस के स्टाफ से। मैं तो पिछले 4-5 वर्षों से ऑफिस तरफ गया ही नहीं हूँ, मुझे जानकारी भी नहीं है।